यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी है उसमें एक तेंदुए का बड़ा आतंक था। फिलहाल जो रामपुर वन विभाग की टीम है उसने उस पर काबू पाया और पिंजरा लगाकर आखिरकार उसको जो है पकड़ ही लिया। मेरे साथ राजीव कुमार जी हैं जो यहाँ पर डीएफओ रामपुर में, उनसे बात करता हूँ। सर, किस तरीके का टीम ने आपको जो है सफलता पाई और कैसे पकड़ा गया? देखिए, पिछले 10-15 दिन से हमारे पास सूचना थी कि जो जौहरी यूनिवर्सिटी है उसके आसपास तेंदुए का विचरण है, क्योंकि जौहरी यूनिवर्सिटी शहर के बीच में पड़ती है। तो मौके की गंभीरता को देखते हुए हमने तत्काल रेंज अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन किया, जो सुबह शाम वहाँ गश्त कर रही थी और ट्रैक कर रही थी कि आखिर वहाँ लेपर्ड की उपस्थिति है कि नहीं। जब हमें कंफर्म हुआ कि वहाँ लेपर्ड की उपस्थिति है, हमने तत्काल उच्च अधिकारियों से पिंजरा लगाने की परमिशन मांगी। तत्काल हमारे उच्च अधिकारियों ने पिंजरा लगाने की परमिशन दी। हमने पिछले 4-5 दिन से वहाँ पिंजरा लगाया हुआ था। तो हम लोग लगातार, हमारी टीम काम कर रही थी सुबह शाम, तो हम उसकी लोकेशन भी ट्रेस कर रही थी। कल रात 8:30 बजे ये जो तेंदुआ है पकड़ में आया। अच्छा सर, इसने किसी को शिकार भी बनाया वहाँ जानवर वगैरह को? नहीं नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल जो छोटे कुत्ते थे वहाँ सूचना थी कि वहाँ शायद एक आध को उसने मारा है, लेकिन किसी प्रकार की जनानी या किसी भी मानव पे हमले की कोई सूचना नहीं। अच्छा, अभी सुअर की सूचना है, वहाँ पर भी आपने जो है कॉम्बिंग वगैरह की है, वहाँ पर भी तेंदुआ देखा गया है, उसका कहाँ तक पिंजरे वगैरह लगाए? देखिए, मसवासी के अंदर जो जमुना जमनी गाँव है, 14 गाँव है, एतमाली है, ये सब उत्तराखंड के बॉर्डर के गाँव है। वहाँ कोसी नदी का बहाव रहता है, खादर क्षेत्र है, तो प्राय उत्तराखंड से जो खादर क्षेत्र वहाँ तेंदुए का आवागमन बना रहता है। तो फिलहाल अगर तेंदुआ वहाँ रुकता है तब स्थिति गंभीर होती है। तो हमने फिलहाल वहाँ पे जो जमुना जमनी गांव के पास एक पिंजरा लगा रखा है, हमारी टीम वहाँ भी सुबह शाम गश्त कर रही है, ट्रैक कर रही है। तो किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम सतर्क है, दिन रात मेहनत कर रही है। अगर वहाँ तेंदुआ होगा तो वहाँ भी पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। राजीव कुमार डीएफओ रामपुर है, इन्होंने बताया किस तरीके से उस तेंदुए को पकड़ा जिसका बहुत बड़ा आतंक था। हालांकि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ आजम खान के जो है बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ छात्र पढ़ते हैं जौहर यूनिवर्सिटी में, उसमें जो है लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। फिलहाल देखा भी गया था ये तेंदुआ, कई बार मैं दिखाऊंगा, इस गाड़ी के अंदर है, कॉम्बिंग की गई वहां पर, पिंजरे लगाकर इसको पकड़ा गया। फिलहाल जिस तरीके से अब वन विभाग की टीम इसको पकड़कर जो है जंगल में अब छोड़ेगी, ये पिंजरा है, इसके अंदर तेंदुआ है। मैं आपको बता दूं किस तरीके का इसने दहशत मचा रखी थी। तो फिलहाल वन विभाग की टीम को कामयाबी मिली है। देखिए खुकार किस तरीके, खुकार है, जैसे घायल भी है, आप इस पर देखें चोटें भी लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इसको पकड़ने के लिए कितनी मशक्कत जो है अंजाम दिया गया। वन विभाग की पूरी टीम मौके पे जो है पकड़ा है। फिलहाल जैसे जैसे सूचनाएं मिल रही हैं, मसवासी सुअर क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर भी सूचना मिली है कि तेंदुए का आतंक वहां पर भी है, कॉम्बिंग की जा रही है वन विभाग की तरफ से। मगर सवाल यह है कि पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से आतंक दिख रहा है तेंदुए का, और इसके अलावा और भेड़ियों की वजह से भी खौफ है, कई जिलों के अंदर भेड़िए भी जो है अपना आतंक मचा रखे हैं, लगातार मीडिया सुर्खियां बन रहा है। तो कुल मिला के फिलहाल इस तेंदुए को पकड़ लिया गया है और कॉम्बिंग अभी भी जो है वन विभाग की जारी है। जो दूसरा तेंदुआ है सुअर में, उसको भी पकड़ने की है। फिलहाल इसमें महारत हासिल हो गई, वन विभाग की पूरी टीम ने कामयाबी पाई है और अब इसको कुछ ही देर बाद जंगल में जो है पास के छोड़ा जाएगा। वीडियो परवेज अली के साथ।